सो हाय गाइस, आज का हमारा एक क्वेश्चन है डाल्विक वर्चुअल मशीन। इसको शॉर्ट टर्म लेके कहते हैं कि डीवीएम। सो डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है? ये बेसिकली क्या वर्क करता है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, इसका क्या एग्जैक्टली रोल है। सो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंटरव्यूज में सबसे अधिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डीवीएम, डीवीएम की यूज क्या है, डीवीएम कैसे वर्क करता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब मैं एक और फ्यूचर में एक वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसके डीवीएम के बारे में नहीं, बट डीवीएम से लाइक एडवांस चीजें जो कि हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी डीवीएम तो यूज नहीं होता है हमारे इंटरनल, लाइक एंड्रॉयड में बेसिकली इंटरनली यूज नहीं होता है डीवीएम। बेसिकली अब लाइक अपग्रेड हो चुका है। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले, सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानें कि डीवीएम वर्क कैसे करता था और इसकी फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानना, मतलब जानना स्टार्ट करते हैं। सो डीवीएम, जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ डाल्विक वर्चुअल मशीन। सो एज वी नो दैट मॉडर्न जेवीएम इज हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड एक्सलेंट मेमोरी मैनेजमेंट, बट इट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर हैंडल्ड डिवाइस एज वेल। तो डिफिनेशन में ये क्लियर है कि पहले जो, जैसे कि हम जो जेवीएम में होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड एक्सलेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, बट हमारे लिए जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो बेसिकली लो पावर के लिए, हमें ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं है, मतलब कम पावर पे वो वर्क करे और वो ऑप्टिमाइज हो। तो बेसिकली उसके लिए हम लाइक डीवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था, डीवीएम को डिजाइन किया गया था, उसके लाइक यूज के हिसाब से इसको बनाया गया था। तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि द डाल्विक वर्चुअल मशीन डीवीएम इज एन एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इट ऑप्टिमाइज द वर्चुअल मशीन फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने ऊपर आपको थोड़ा इसके बारे में बताया, डिस्कस किया था। अब डाल्विक, डाल्विक जो है इज ए नेम ऑफ ए टाउन इन आइसलैंड। डाल्विक बेसिकली जो एक नाम है, एक आइसलैंड का, एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है आइसलैंड। एक मतलब आइसलैंड है, वहाँ पे एक टाउन है, उस टाउन का नाम है डाल्विक। तो डाल्विक नाम उसके अकॉर्डिंग रखा गया था। डाल्विक डाल्विक वर्चुअल मशीन वॉज रिटन बाई द डैन बॉन्स्टिन, इनके द्वारा ये डाल्विक वर्चुअल मशीन रिटर्न लिखा गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था या बनाया गया था, उसको जैसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि द डेक्स कंपाइलर कन्वर्ट द क्लासेस फाइल इनटू द डॉट डीएक्सई फाइल्स दैट रन्स ऑन द डाल्विक वर्चुअल मशीन। मल्टीपल क्लासेस फाइल्स आर कन्वर्टेड इनटू वन डेक्स फाइल्स, DEX फाइल्स। बेसिकली इसको हम इसको अगर एक्सपेंडेड करें तो इसको हम पढ़ते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। इसको हम, ये भी इसका शॉर्ट नेम है डैक्स, बट इसको हम लोग डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका मतलब ये बनता है। अगर हम इसको देखें कि ये हमारा जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है कब यूज में आता है, तो सबसे पहले जो हमारे क्लासेस होती है, जो जावा फाइल्स होती है, वो जिसका जो सोर्स कोड होता है वो जेवीएम के द्वारा, यानी कि जावा कंपाइलर के द्वारा वो कंपाइल होती है किसमें, डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल में कंपाइल होने के बाद, फिर उसके बाद जो डेक्स कंपाइलर होता है, जैसे कैलेंडर डाल्विक, जो बेसिकली जो कंपाइलर होता है ये क्या करता है, कंपाइल करता है डॉट क्लास फाइल को, इसको और कॉम्प्रोमाइज लाइक कंप्रेस करता है और लाइक ऑप्टिमाइज करता है, और इसको कन्वर्ट करता है डॉट डीएक्सी फाइल में। उसके बाद डॉट डीएक्सी फाइल जो होती है, उसके बाद डॉट डीएक्सी फाइल्स को फिर एंड्रॉयड के अंदर एक पैकेजिंग टूल्स होता है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड एसएस पैकेजिंग टूल, जो कि AAPT शॉर्ट नेम है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ये टूल्स क्या करती है, जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल्स को कंपाइल करती है, लाइक इसको टूल्स को कन्वर्ट करती है। और जैसे कि यहाँ पे जो डॉट क्लासेस फाइल होती है, बेसिकली ये मल्टीपल्स ऑफ डॉट क्लासेस फाइल होती है, उनको डेक्स कंपाइलर क्या करता है कि लाइक उनको कंबाइन करके और डॉट डेक्सी फाइल में कन्वर्ट करता है। डॉट डेक्सी फाइल भी मल्टीपल्स होती है,
डॉट डीएक्सटी फाइल, जैसे कि एक डीएक्सटी फाइल लाइक कंटेन करती है 64,000 मेथड्स। तो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, इसमें मल्टीपल्स ऑफ मेथड्स होते हैं, तो सारी को कन्वर्ट करके वो डेक्स फाइल में कन्वर्ट होती है, और वो हर एक डेक्स फाइल एटलीस्ट जो होती है वो 64K मेथड को कंटेन करती है, और वो सारी डेक्स फाइल को एंड्रॉयड पैकेजिंग जो टूल्स होता है उसको कन्वर्ट करता है, और उसको कलेक्ट करके एक बंडल के रूप में हमें देता है, जिसको हम लोग डॉट एपीके फाइल बोलते हैं, डॉट एपीके फाइल्स बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको आप ऊपर को ऊपर ही आपको डिस्क्राइब किया था कि जावा सी टूल्स कंपाइल द जावा सोर्स फाइल इनटू द क्लास फाइल्स, डेक्स टूल्स टेक्स ऑल द क्लासेस फाइल्स ऑफ योर एप्लीकेशन एंड जनरेट अ सिंगल डेक्स फाइल्स, इट इज ए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल्स, इट्स अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल। सो बेसिकली डेक्स कंपाइलर जो होता है तो बेसिकली हमारे एंड्रॉयड के लिए ही बेसिकली यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एंड्रॉयड एसएस पैकेजिंग टूल्स, जो कि हैंडल करता है पैकेजिंग प्रोसेसर को। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये चीज़ों को ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले एडवांटेज देखें तो डीबीएम सपोर्ट द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इन डीबीएम एग्जीक्यूटेबल इन एपी एग्जीक्यूटेबल इज एपीके, ओके, एग्जीक्यूशन इज फास्टर, फ्रॉम एंड्रॉयड 2.0 एसडीके डाल्विक हैज ओन जी आई टी जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो बेसिकली ये अपने साथ जस्ट इन टाइम कंपाइलर रखता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से। उसके बाद डेबियम हैज बिन डिजाइंड सो दैट अ डिवाइस कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द वर्चुअल मशीन इफेक्टिवली, अप्लीकेशन आर गिवेन देयर ओन इंस्टेंसेस, ओके। सो इसके कुछ एडवांटेज ये हैं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि डीबीएम सपोर्ट्स ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओनली, लाइक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है डीबीएम, वेरी फ्यू रीड टूल्स आर अवेलेबल, इसमें कुछ ही मतलब टूल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं डीबीएम में। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, रिक्वायर्स मोर इंस्ट्रक्शन दैट रजिस्टर्ड मशीन टू इम्प्लीमेंट द सेम हाई लेवल कोड। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज इसमें आता है कि ऐप इंस्टॉलेशन टेक्स मोर टाइम ड्यू टू द टेक्स डेक्स मीन्स डॉल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर वी कैन से डॉल्विक, ओके। उसके बाद इसमें अगला है मोर इंटरनल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, इसको इसके लिए कुछ इंटरनल स्टोरेज जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन रखा है कि जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज एएपीटी, लाइक एंड्रॉयड टेस्ट पैकेजिंग टूल, बेसिकली है क्या ये, क्या वर्क करता है। तो इसमें क्या है कि एएपीटी अलाउज यू टू व्यू क्रिएट एंड अपडेट जिप कॉम्पैटिबल आर्काइव्स लाइक जिप जार एंड एपीके, ओके। उसके बाद हमने पहले ही बताया था कि AAPT स्टैंड फॉर द एंड्रॉयड एसएस पैकेजिंग टूल, एंड्रॉयड एसएस पैकेजिंग टूल्स टेक्स योर एप्लीकेशन रिसोर्स फाइल्स, जितनी रिसोर्स फाइल्स होती है उसको वो कलेक्ट करता है, सच एज लाइक मैनिफेस्ट फाइल्स एंड एक्सएमएल फाइल्स फॉर योर एक्टिविटीज एंड कंपाइल्स देम, दिस इज द ग्रेट टूल्स विच हेल्प यू टू व्यू। उसके बाद क्रिएट एंड अपडेट्स योर एपीके एज वेल एज जिप एंड जार फाइल्स, इट कैन ऑल्सो कंपाइल्स रिसोर्सेस इन टू बाइनरी एसेस, इट इज द बेस बिल्डर फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, ओके। इसके बाद एंड्रॉयड एसेस पैकेजिंग में भी बात करें तो इसमें दिस टूल्स इज पीस ऑफ एसडीके एंड असेंबल्ड फ्रेमवर्क एंड परमिट्स यू टू सी मेक एंड री डिजाइन जीप परफेक्ट क्रॉनिकल्स लाइक जीप जोल्ट एंड एपिक। सो ये हमारी AAPT के बारे में हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया है, इसका आंसर है। इंटरव्यू में मोस्टली पूछ लिया जाता है, बहुत इंटरव्यूअर्स जो होते हैं जो इसके बारे में क्वेश्चन राइज करते हैं, तो एटलीस्ट इस पॉइंट को माइंड में अगर रखते हैं तो अच्छा होता है। उसके बाद अभी कुछ को इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज AAPT2, ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये इन्हेंसमेंट है, AAPT टूल्स का इन्हेंसमेंट है। तो ये आया कब, तो एंड्रॉयड 3.0 कम्स विद द AAPT2 इनेबल्स बाय द डिफॉल्ट विद ग्रेडल एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन 3.0.0। तो ये इसके साथ इनेबल्ड है, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ हमें मिला है। उसके बाद AAPT टूल्स इज ए बिल्ड टूल्स दैट एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन यूज टू कंपाइल एंड पैकेज योर ऐप रिसोर्सेस, ओके। उसके बाद AP2 पार्सेस यूज क्या करता है, पार्सेस इंडेक्सेस एंड कंपाइल द रिसोर्सेस इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो ये AAPT
लाइक डॉट एस एस पैकेजिंग टूल बेसिकली, सॉरी यहाँ पे आई थिंक गलत है, AAPT डॉट एस एस पैकेजिंग टूल। ओके, तो हमने इसके बारे में, AAP टूल्स बेसिकली एडवांस है, उसमें जो पहले हम यूज करते थे उससे कुछ एडवांस है ये, और इसका हम कुछ लाइक ऑलरेडी कुछ हमने इसके लिए लाइक हमने कुछ इसके बारे में ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया है, और इसको फिर हम आगे भी और वीडियोस आएंगे इसमें, हम और सारे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेनली डिफरेंस क्या है AAPT एंड AAPT टू में, क्या डिफरेंस है बेसिकली, इसमें क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि जो AAPT है उसका एडवांस है, इसमें कुछ बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस है, लाइक जैसे कंपाइल हैंडलिंग। तो कंपाइल हैंडलिंग मीन्स दैट द मेन आइडिया बिहाइंड AAPT2 अपार्ट फ्रॉम न्यू फीचर्स इट दैट इज डिवाइडेड द पैकेजेस स्टेप इनटू टू कंपाइल एंड लिंक। तो बेसिकली ये बेसिकली डिवाइड करता है पैकेजेस को दो स्टेप में, कंपाइल एंड लिंक में। इट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस सिंस इफ ओनली वन फाइल चेंजेस यू ओनली नीड टू रिकंपाइल दैट वन फाइल्स एंड लिंक ऑल द इंटरमीडिएट फाइल्स विद द लिंक कमांड। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कंपाइल एंड लिंक, तो डिफरेंस ये। दूसरा है मोर रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव। सो इसमें अगर हम देखें तो AAPT2 ट्राइज टू कैच मोस्ट बग्स एज अर्लियर एज पॉसिबल। ओके, दैट्स व्हाई व्हेन स्विचिंग फ्रॉम AAPT2 यू माइट इनकाउंटर मेनी एरर्स स्टेजिंग दैट सम्स एलिमेंट्स आर नेस्टेड इनकरेक्टली और दैट सम रेफरेंसेस आर इनकरेक्ट। सो अगर इसके बारे में अगर आप बहुत सारा डीप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 के डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप इसके बारे में इंटरनली और कुछ जानना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसके बारे में लाइक डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है, उसके बाद उसमें GIT कैसे वर्क करता है, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जैसे कि हमारे पास ART में कंपाइलेशन उसका यूज कैसे होता है, एड ऑफ IoT आता है, उसके बाद उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड में चीज़ें आ चुकी हैं, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।